वाणिज्य कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी कोटा के अधीक्षण अभियंता कार्यालय की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया। वारंट को तामिल कराने स्पेशल सेल अमीन पीडब्ल्यूडी के एसई ऑफिस पहुंचे। अधिकारी ने बताया राशि जारी करने की 15 दिन की मोहलत मांगी है। सेल अमीन मामले की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे। पीड़ित ठेकेदार सुनील माहेश्वरी ने बताया कि उनकी फर्म ने साल 1996 में बूंदी जिले में मेड़ी से गोठड़ा तक 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था। करीब 25.50 लाख की लागत से सड़क का निर्माण पूरा किया। निर्माण के दौरान 4-5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च हुआ था। काम का 17.50 लाख रुपए बकाया थे। विभाग के JEN ने इसका बिल नहीं बनाया और उनका पेमेंट अटक गया। साल 2004 से वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 2007 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। जांच के बाद आर्बिट्रेटर ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। इस बीच पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। मामला कोटा वाणिज्य कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। साल 2020 में वाणिज्य कोर्ट ने ऑब्जेक्शन कैंसिल कर दिया और हमारे फेवर में डिग्री बना दी। उसके बाद भी विभाग ने बकाया भुगतान नहीं किया। करीब 1.5 महीने पहले कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी एसई ऑफिस की चल संपत्ति के कुर्की वारंट जारी करते हुए 16,33,111 रुपए वसूली के आदेश दिए। 1998 में बूंदी में वर्क था, मेंडी से जो है गोडरा का, वो 97 में हमने पूरा कर दिया कंप्लीट जो है। अब डिपार्टमेंट ने पेमेंट नहीं करा हमारा जो है, फिर हम कोर्ट गए हुए, आर्बिट्रेशन में गए हुए। अब जैसे अवार्ड हुआ हमारा जो है, अवार्ड दे दिया उन्होंने जो है 16-17 लाख के करीब जो है, तो इन्होंने जो है 6 महीने का टाइम होता है इनका जो है, उस पीरियड में जो है रुकना पड़ता है पार्टी को पैसा लेने के लिए। तो इन्होंने उस पीरियड में यहाँ ये कोर्ट है जो है फाइनेंशियल जो है, तो वहाँ केस कर दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिया जो है। ऑब्जेक्शन अब क्लियर हो गया है, वही इनका कैंसिल हो गया वो ऑब्जेक्शन जो है, और हमारा अवार्ड हो गया सही हुआ। कोर्ट ने क्या आदेश दिए? पैसे पैसे वसूल लो इनसे जो है, और नहीं हो तो गाड़ी और कार्यालय कड़क कर लो।